हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी पांच दोस्तों के बारे में है। पांच दोस्त पाकिस्तान टूर पे जाते हैं तो सारे दोस्त जमा हो जाते हैं और जो है सबसे पहले वो ऑटो करते हैं, उनको रूम चाहिए होता है ना होटल में। तो जो है वो पहले वो लोग एक जमा होके वो सारे दोस्त अलग अलग जगहों से आते हैं तो वो लोग एक जगह पे जमा होते हैं तो ऑटो करते हैं। तो पहला वाला जो ऑटो होता है वो आदमी पीछे लग जाता है कि आप मेरे ऑटो में बैठे हैं, सारे आ रहे होते हैं। तो जो पहले वाला ऑटो वाला होता है उसके साथ जो एक बंदा होता है, उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी होती है और उसने सर पे हुडी पहनी होती है और जो है मास्क लगाया हुआ होता है। अब ये लोग उसको देख के इग्नोर कर देते हैं, वो आगे पीछे पूछते हैं रेट और जो है फिर फाइनल में वो फर्स्ट वाले वाले के साथ चले आते हैं। अब इनको पहुँचते पहुँचते जो है मगरिब हो जाती है तो और ये लोग बहुत थक जाते हैं। तो जो है सारे होटल में रेस्ट करके फिर सुबह में ये लोग जो है दोबारा निकलते हैं। अब ये लोग जो है वो शहर की जो है तस्वीरें खींच रहे होते हैं सारे, तो अचानक से एक दोस्त की नज़र पड़ती है कि जो है वो ब्लैक कलर का जो ड्रेस पहना हुआ था वो लड़का जो है वो इनके सामने से गुजरता है। अब ये लोग इतना वो इग्नोर कर देते हैं कि वे बोलते हैं होगा शायद कोई और, लेकिन फिर दोबारा ये लोग जो है बस में बैठ के जा रहे होते हैं तो अचानक से वही जो ब्लैक कलर के ड्रेस पहना होता है लड़का वो इनके आगे वाली चेयर पे आके बैठ जाता है। तो जो है ये लोग बोलते हैं यार ये कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता, ये समझ नहीं आता किसी को। वो बराबर एक लड़का जो होता है वो समीर होता है, समीर अपने दोस्त से बोलता है कि ये लड़का तो वही है ना ऑटो वाला जो अभी दिखा था। तो वो बोलते हैं, वो इतना इग्नोर कर देते हैं, वो लोग उतना वो नहीं सोचते नहीं है उसके बारे में। तो जो है वो लोग जाते हैं, फिर जा रहे होते हैं तो ये लोग ट्रेन के स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, काफ़ी रात हो जाती है वहाँ पे पहुंचते पहुंचते। अब जो है ये लोग पांचों अकेले होते हैं और पूरा स्टेशन खाली होता है तो ये लोग उसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि बातें कर रहे होते हैं। तो अचानक से क्या होता है वो इस ट्रेन आ रही होती है, इन लोग को एक दिन एकदम से जो है वो होता है कि सुकून से मिलता है कि चलो हम लोग ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अब ये लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं, ट्रेन फुल होती है तो जो है इन लोग को जगह नहीं मिलती तो ये लोग जो है अपना जो बैग्स होते हैं वो नीचे जो है बर्थ के नीचे रख देते हैं और जो है ये लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे चढ़ते हैं पैसेंजर्स, बीच वाले डब्बे में ये लोग खड़े हो जाते हैं। दोनों तरफ दरवाज़ा होता है तो सारे दोस्त वहीं खड़े हो जाते हैं। तो अचानक से जो दो दोस्त होते हैं ना उनका चेहरा उस तरफ होता है दरवाजे की तरफ, तो बाहर की तरफ वो लोग देख रहे होते हैं। अब जो है स्टेशन पे अगले जो स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो एकदम से दो दोस्त जो खड़े होते हैं उनका जो है वही लड़का जो होता है ना जो ब्लैक कलर की ड्रेस में ना वो खड़ा होता है। ये लोग देख के शॉक हो जाते हैं, एकदम से उस लड़के को बताते हैं समीर को कि वो लड़के तो वो देखो वो खड़ा हुआ। तो ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं उसको एकदम से, ये लोग चुप हो जाते हैं, बोलते हैं मत बात करो एक दूसरे से, बोलते हैं उसके बारे में। अब क्या होता है वो जब ट्रेन चली जाती है तो अचानक से दूसरे स्टेशन पर रुकने से पहले वो जो ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है वो लड़का ट्रेन के अंदर से आता है और वॉशरूम की तरफ चले आता है। ये लोग और शॉक हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये कौन बंदा है जो है ये ऐसी कहां से आ गया। तो ये लोग जो है ना अगले स्टेशन पर रुक के दूसरे डब्बे में चले आते हैं ट्रेन के। अब ये लोग वहाँ पर बेंच पर बैठ के जो है बातें कर रहे होते हैं कि क्या कौन लड़का है, ये कहाँ से आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। अब जो है वो ट्रेन चल रही होती है जो है सब सो जाते हैं। अब जो लड़का समीर था ना वो एकदम से उसकी आँख खुलती है तो जो है वो जो लड़का था ना वो देखता है पहले तो ट्रेन खाली होती है पूरी। अब ये हैरान हो जाता है कि पूरी ट्रेन कैसे खाली हो गई, जैसे ही देखता है ना लास्ट बेंच पर वही लड़का जो ब्लैक कलर का ड्रेस हुडी और मास्क लगाए हुआ होता है उसका वो बैठा हुआ होता है और ना ये करीब जाता है पूछने के लिए कि तुम कौन हो, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों हमें डरा रहे हो। जैसे ही समीर करीब जाता है तो देखता है वो लड़का जो है ना ट्रेन पे चाकू से वो उसका नाम लिख रहा होता है। अब ये एकदम से देख के हैरान होता है उसको, जैसे ही ये पीछे को आ रहा होता है एकदम से नीचे ना रैपर्स पड़े होते हैं उस पर इसका फोन लगता है तो आवाज़ आती है उस पर। तो जो है वो जो हुडी वाला लड़का होता है ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ तो वो एकदम से इसको देखता है। अब जब वो इसको लड़के को देखता है तो वो उसका जो है मास्क भी नहीं होता और वो कुछ पहना हुडी भी नहीं पहना होता।
तो जैसे ही उसका चेहरा देखता है, उसका चेहरे पे निशान पड़े होते हैं, उसका मुंह कटा हुआ होता है और आंखें सफ़ेद होती हैं, मतलब वो जिन होता है। और एकदम से चाकू लेके इसके पास आता है समीर को मारने के लिए। समीर भागता है और वो समीर के चाकू मार देता है। और फिर अब जब सुबह सारे दोस्त उठते हैं तो समीर नीचे मरा हुआ होता है। और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।